भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ग्रामीण विकास दृष्टि योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बन रहा है, गांव के लिए प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। इस बार आवास के साथ साथ सभी सुविधा से युक्त गैस बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। देश में 80 करोड़ लोगों में राशन वितरण में 3.4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय में लगातार वृद्धि कर रही है। सरकार प्राकृतिक खेती व जैविक खेती के लिए काम कर रही है। पहले गेहूं धान की खरीद होती थी, लेकिन अब दाल व दलहन की भी खरीद की जा रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। किसान का खेती का रकबा, योजनाओं का उल्लेख, खाते का रिकॉर्ड, किसान को मिलने वाला लाभ, सभी चीजें अब डिजिटल की तरफ बढ़ रही हैं, जिससे किसानों के फसल का मुआवजा मिल सके और किसानों को मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता बनी रहे। दलहन के क्षेत्र में किसानों ने इस बार अच्छी छलांग लगाई है। भारत नाम से जैसे भारत यूरिया, भारत डाई मिलेगी, जिससे बाजारों में कालाबाजारी ना हो सके। भारत में 10,000 नए FPO बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हो रहा है, जो कि हर्ष का विषय है। किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए सरकार PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12वीं किस्त प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के खाते में सीधा भेजा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से एक बड़ा सुरक्षा कवच किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। इस योजना के माध्यम से जहाँ किसानों का नुकसान प्राकृतिक आपदा से हुआ है, वहाँ पर किसानों को 1,22,000 करोड़ का मुआवजा अभी तक वितरित करने का कार्य किया गया। हम सब जानते हैं कि जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो कृषि में भी हमारी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इसको देखते हुए कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रबी की फसलों के लिए MSP को बढ़ाया गया है, जिसका निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हो सके, जिससे कि किसान की लागत कम हो। इस दृष्टि से हम लोग डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर कार्य कर रहे हैं। यह डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन राज्यों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि एक प्रोसेस पर किसान का आधार कार्ड हो, किसान का बैंक अकाउंट हो, किसान की खेती का रकबा हो, दोनों फसलों में बोई जाने वाली फसल हो, सरकार की योजना से मिलने वाला उल्लेख या पूरा प्लेटफॉर्म बैंक के साथ लिंक हो, जिससे कि किसानों को मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता आ सके और किसान की फसल का सही से आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में भी 4.25 करोड़ लाख के एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किया गया, जो कि आज तक की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज मैं देवरिया जिले में हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनकी याद में हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन होता है, ऐसे स्वर्गीय रवींद्र किशोर साहू जी की मेमोरी में जो कार्यक्रम देवरिया में संपन्न होने वाला है, मैं उसके निमित्त यहाँ आया हूँ। इस अवसर पर कृषि मेले का भी आयोजन है, स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन है और बड़ी संख्या में किसान भाई और बहन इस कार्यक्रम में हमेशा जुटते रहे हैं और आज भी वह परंपरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानी और किसान दोनों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। विगत 8 वर्षों में लगातार इस बात का प्रयत्न हुआ है कि गांव, गरीब और किसान, इनकी समृद्धि बढ़े। ग्रामीण विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव की सड़कें बनाने का सफलतम प्रयत्न हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब व्यक्ति को आवास मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में योगी जी के नेतृत्व में अग्रणी राज्य बना है।
यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस बार आवास के साथ साथ सर्व सुविधा युक्त आवास देने का प्रयत्न मोदी जी के द्वारा हो रहा है। इस आवास में शौचालय भी है, रसोई घर भी है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का सिलेंडर भी है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब के घर को बिजली का कनेक्शन भी है। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा गरीब लोगों के लिए गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश भर में 80 करोड़ लोगों को लगभग 24 महीने से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। इस योजना पर लगभग अभी तक 3,45,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक और किसानों ने मिलकर इस दिशा में काम किया। और इस दृष्टि से हमारे देश में कृषि, उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हो रही है, यह हमारे लिए संतोष की बात है। साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि हो, इसलिए सरकार की भी सहायता मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अभी तक लगभग 2,16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। अभी 17 अक्टूबर को भी 12वीं किस्त प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा सभी किसानों के खातों में अंतरित करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से एक बड़ा सुरक्षा कवच किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, और इस योजना में भी जहां किसानों के फसल का नुकसान प्राकृतिक प्रकोप के माध्यम से हुआ है, वहां लगभग 1,22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा अभी तक वितरित करने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि जब आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं तो कृषि में भी हमारी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इस दृष्टि से हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़े इसका इंतजाम किया है। और आप सबको ध्यान में है, आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके माध्यम से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीनें, अन्य प्रकार के और साधन जो इंफा के लिए आवश्यकता है, उसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 14,000 करोड़ रुपए की अभी तक स्वीकृतियां बैंकों के द्वारा कर दी गई हैं, और इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, गंगा जी के किनारे दोनों ओर 5-5 किलोमीटर नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की दृष्टि से काम किया जा रहा है। और पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस मिशन को बहुत कामयाब बनाया है। किसान उन्नति की ओर बढ़े, उसकी लागत कम हो और उसको मुनाफा पर्याप्त मात्रा में मिले, इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि स्वामीनाथन साहब ने अपना रिकमेंडेशन 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दिया था, और उसमें 201 रिकमेंडेशन थी, जिस पर 200 रिकमेंडेशन पर मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन एक रिकमेंडेशन थी जिसमें स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि किसान का जो MSP घोषित करते हैं, ये उसकी जो लागत आती है उस लागत में 50% मुनाफा जोड़ के करना चाहिए।
यूपीए सरकार के समय जब रिकमेंडेशन का विश्लेषण किया गया था तो इस रिकमेंडेशन को उन्होंने अमान्य कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात की तो सरकार के प्रयत्न के फलस्वरूप इस रिकमेंडेशन को भी स्वीकार किया और आज एमएसपी का एक मैकेनिज्म बन गया है। देश भर में किसानों की लागत के बारे में चर्चा की जाती है, राज्यों से आंकड़े मंगाए जाते हैं और जो औसत लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। एमएसपी पर खरीद भी हम लोगों ने बढ़ाया है। पहले गेहूं और धान की खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन की भी खरीद केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और इसका भी फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। अभी परसों मंगलवार को ही कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें रबी की फसलों के लिए एमएसपी घोषित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा हुआ है। खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हो सके जिससे कि किसान की लागत कम हो, इस दृष्टि से हम लोग डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रहे हैं। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन राज्यों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है और इसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि एक प्लेटफॉर्म पर किसान हो, किसान का आधार कार्ड हो, किसान का बैंक अकाउंट हो, किसान की खेती का रकबा हो, उसकी दोनों फसलों में बोई जाने वाली फसल हो, सरकार की योजना का जो लाभ मिल रहा है उसका उल्लेख हो और ये पूरा प्लेटफॉर्म बैंक के साथ भी लिंक हो जिससे कि किसान को मिलने वाला जो लाभ है उसमें किसान सम्मान निधि जैसी पारदर्शिता आ सके और किसान की फसल का ठीक प्रकार से आकलन किया जा सके। कभी प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी फसल को नुकसान होता है तो मैनुअल की जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम उसकी फसल का आकलन कर पाएँ जिससे हर किसान को उसके नुकसान का मुआवजा मिल सके। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का प्लेटफॉर्म पूरा बनने के बाद अभी सामान्य तौर पर आपको ध्यान में है कि अगर किसान को एक ट्रैक्टर का लोन लेना है तो वो बैंक जाता है। बैंक में जाने के बाद बैंक वाला उसको 22 बैंक के लिए नोड्यूज का एक फॉर्म पकड़ा देता है और वो नोड्यूज कराता कराता 3 महीने उसके गुजर जाते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो इसमें किसान का खाता बैंक से भी लिंक होगा और अगर किसान के पास लोन है तो बैंक में दिख जाएगा और लोन नहीं है तो नोड्यूज की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक उसको प्रमाणित करके उसके लोन के काम को आगे बढ़ा सकती है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भारत सरकार काम कर रही है और ये मुझे लगता है आने वाले कल में निश्चित रूप से बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होगा। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की दृष्टि से भी सरकार बल दे रही है। दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़े तो दलहन में तो काफ़ी लंबी छलांग भारत ने लगाई है। हमारे किसानों ने बहुत परिश्रम किया, जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तब से अब तक लगभग 10 मिलियन टन पैदावार दलहन की बढ़ी है, लेकिन तिलहन में अभी हम इम्पोर्ट पर निर्भर करते हैं और इसलिए 11,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने एक ऑयल पाम मिशन बनाया है जिसमें किसानों को उसके उत्पादन के मूल्य की आश्वस्ति भी दी गई है और जहां वो उत्पादन होगा वहां प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, इसके लिए पर्याप्त सुविधा इंडस्ट्री को भी दी गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे खाद्य तेल हैं उनमें जो हमारे देश की खपत है उस खपत में लगभग 56% पाम ऑयल का योगदान है और इसलिए पाम ऑयल का उत्पादन देश में बढ़े इसका प्रयास भारत सरकार कर रही है। उर्वरकों की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि बीच में जब कोरोना का संकट आया तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में फर्टिलाइज़र के दाम बहुत बढ़े और काफ़ी उतार चढ़ाव उनमें आया, लेकिन मोदी सरकार ने फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ने नहीं दिए,
और कोशिश की कि किसानों पर किसी प्रकार का वजन ना आए। और आज भी यूरिया का अगर कट्टा देखेंगे तो 2200 रुपए का आता है, लेकिन किसान को 266 रुपए में मिलता है। नीम कोटिंग यूरिया करके कालाबाजारी रोकने का भी एक सफल प्रयत्न किया है, लेकिन हम आत्मनिर्भर बने और केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उस पर हमारी निर्भरता ना हो, और जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है उससे भी ज़मीन को बचाया जा सके। इस दृष्टि से जहां एक ओर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं बायो फर्टिलाइज़र नैनो यूरिया आप सबने देखा होगा नया बना है, और वो 245 रुपए की एक बोतल है। एक बोतल बराबर एक कट्टा, उससे पैदावार भी बढ़ती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर भी कम नुकसान होता है। इसलिए उस दिशा में भी मेक इन इंडिया करके ये फर्टिलाइज़र बनाया गया है। धीरे धीरे हम इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में दिल्ली में किसानों के बीच में थे, उस दिन एक देश और एक उर्वरक इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था, और इससे सबके ध्यान में आया होगा कि अभी अलग अलग यूरिया बिकता था, अलग अलग डीएपी बिकता था, अब कुल मिला के एक भारत ब्रांड होगा। बनाने वाली कंपनी कोई भी होगी, लेकिन भारत यूरिया होगा, भारत डीएपी होगा, भारत एनपीके होगा, भारत नाम से ही उर्वरक बिचेगा, जिससे कि एग्जाई किसान तक ठीक प्रकार से पहुंच सके और कोई फालतू की प्रतिस्पर्धा और कालाबाजारी उसमें ना हो सके। इस दृष्टि से खेती को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है, और आप सबके ध्यान में है कि कोविड के बावजूद भी किसानों ने बड़ी बम्पर पैदावार की, सरकार ने खरीद के मामले को भी काफ़ी आगे बढ़ाया और सरकार के पैसे को उसमें इन्वॉल्व किया, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिले। पिछले दिनों कोविड के इन वर्षों में भी 4.25 लाख करोड़ रुपए का लगभग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है, और इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हिस्सा ज़्यादा है, और इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम लोग अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसानी फ़ायदे में जाए और छोटा किसान भी उस फायदे का हिस्सेदार बन सके, इसलिए भारत सरकार ने कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ बनाने की योजना पर काम किया है। 10,000 नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं, इस पर 6,865 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है, और सीबीओ को भी उसमें लगाया गया है, जो एंड टू एंड किसान का मार्गदर्शन करे, किसान की मदद करे, जिससे कि छोटे छोटे किसान जिनके पास रकबा कम है वो बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा महंगी फसलों की ओर नहीं जा सकते। अगर कोई महंगी फसलों की ओर चला भी जाए तो उसको मार्केट की उपलब्धता नहीं होती, तो इसलिए हम लोगों ने एफपीओ प्रोग्राम आरंभ किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से किसान को टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा मिलेगा, और इकट्ठा होकर वो खेती करेगा तो आदान लागत भी घटेगी, और चूँकि एफपीओ के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए एक किसान 5 बीघा का है, और अगर 5-5 बीघा के 300 किसान मिल जाते हैं तो उनकी खेती का रकबा 1500 बीघा हो जाता है। तो 1500 बीघा में जब एक साथ खेती करेंगे तो एक ही प्रकार का उर्वरक होगा, एक ही प्रकार की सिंचाई होगी, तो उनका उत्पादन की गुणवत्ता भी एक ही प्रकार की होगी और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जिससे कि निश्चित रूप से वो कहीं भी बार्गेनिंग करके अपनी कीमत पर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। इस दृष्टि से कोशिश है कि खेती के क्षेत्र को, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश को खड़ा रहने में हमेशा मदद की है, इस क्षेत्र को अग्रणी क्षेत्र के रूप में हम स्थापित करें, और आने वाले कल में खेती की ग्रोथ हमारे देश के लिए भी हो, और खेती में जो उत्पादन है उससे देश की भी आपूर्ति हम कर सकें, और दुनिया को भी जो हमसे अपेक्षा है उस आपूर्ति को भी करने में भारत सक्षम हो सके। इस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर तो मुझे
इतना ही आप सबके बीच में कहना था, आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर कर सकते हैं। सरकार ने बढ़ाया कितना फायदा मिलेगा किसान है, एमएसपी का दाम सरकार ने बढ़ाया कितना फायदा मिलेगा किसान? एमएसपी का दाम जब 50% गारंटी मुनाफे के साथ बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसानों को मिलेगा ही। बड़ी समस्या है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि मैं इस उत्तर प्रदेश में एक कालखंड था जब 2-3 साल के लिए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भी इस उत्तर प्रदेश में था, तब कहीं खरीद को लोग जानते ही नहीं थे और सरकारी खरीद होती ही नहीं थी। कुछ लोग खरीदते थे और वही FCI वगैरह को दे दिया करते थे। हम लोग साईं जी के साथ जाके जगह जगह कांटा लगाओ आंदोलन करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकारी खरीद हो रही है और खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है, खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ा है और ठीक प्रकार से किसान को दाम मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार और FCI दोनों मिलकर संयोजन से इस काम को करते हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदारी का कार्य शुरू है, कितना लक्ष्य रखा गया इस बार? नहीं, अब मुझे उत्तर प्रदेश का लक्ष्य नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अपना फूड मिनिस्ट्री और राज्य सरकार मिलकर तय करती है, लेकिन खरीद होगी, अच्छे से होगी और किसान को पर्याप्त दाम मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा। भारत भी इस दिशा में चिंतित है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं इस दृष्टि से रिसर्च कर रहे हैं कि बदलते मौसम के समय में किस प्रकार का बीज हम ईजाद करें जो इस परिस्थिति को सहन कर सके। बेमौसम बरसात से निश्चित रूप से देश में अनेक स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान की भरपाई की जाए इसके लिए एक नियमित प्रक्रिया है। राज्य के पास SDRF फंड रहता है जिसमें 75% केंद्र का होता है, 25% राज्य का होता है। ये राज्य के पास हर साल एक कोष रहता है और अगर इसके ज़्यादा नुकसान होता है तो राज्य अपना सर्वे कराकर मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजते हैं। गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति है, अगर वो सर्वे करने के बाद पाती है कि इस मेमोरेंडम के अनुसार हमें मदद करनी है तो वो कमेटी राशि को स्वीकृत करती है। जिन किसानों का बीमा है उनको बीमे के माध्यम से भरपाई की जाती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है।